मेरा ख्याल है ओवरऑल हमारी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। 4 out of 4 हम लोगों ने गेम्स जीती हैं राउंड मैचेस में, और फेवरेट मोमेंट यही था कि जो हम कराची के खिलाफ लास्ट ओवर में मैच जीते थे, हुनैन शाह ने जो लास्ट ओवर किया था, मेरा ख्याल है वो एक हमारे टूर्नामेंट के लिए अभी तक सबसे पॉजिटिव चीज़ थी। हमारे जितने भी प्लेयर थे वो परफॉर्म कर रहे हैं, शहजादा फरहान परफॉर्म कर रहा है, नीचे से अब्बास अफरीदी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में इमरान खान सीनियर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है लड़कों को देख के, इंजॉय करता हूँ। और जो मूवमेंट था वो जो छक्का लगा है उसके ऊपर चला गया, वो अच्छा मूवमेंट था। जो बॉलर है अब्बास अफरीदी और इमरान खान मोहम्मद इमरान जूनियर, उनकी बॉलिंग देखता हूँ बड़ा मज़ा आता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है T20 का। जैसा कि आपको पता है कि सियालकोट नॉन है T20 के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा क्रिकेट भी खेली है और लड़के भी नए हैं, जिसकी वजह से शुएब भाई के साथ हम लोग मिल के जेल होकर टीम को सुपर 8 तक पहुँचे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। और जोश लम्हा जैसे कि आपने बात की, वो हमारा था पहला जो सुपर ओवर मैच था, तो सुपर ओवर में हम लोगों ने मैच जीता, तो वो बहुत अच्छा एक्साइटिंग एक मैच रहा था हमारे लिए। नेशनल T20 में ये बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है हमारा सफ़र, जैसे सीनियर्स प्लेयर सारे खेल रहे हैं और हम बड़े अच्छे रन रेट से जीत के क्वालिफाई किया, और क्रूशल गेम थी जो क्वेटा वाली हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने रन रेट से जीतना था और क्वालिफाई करना था। और इसमें जो यंगस्टर जो अच्छी बॉलिंग करके जो टीम के कलों के उसके ऊपर मैच खेल रही होती है, वो अहमद दानी वाला बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। बड़ा अच्छा सफ़र गया हमारे, 4 मैच हुए, 4 में से 3 जीते, 1 मैच हम हारे, जो हारे भी वो बड़ा क्लोज आखिरी बॉल तक मैच गया, तो बड़ी अच्छी कंपेटिटिव हुई क्रिकेट टूर्नामेंट में। सबसे अच्छा मोमेंट मेरा ख्याल है डेरा मुराद जमाली के अगेंस्ट, जो हमने 185 चेस किए, मुश्किल पिच था वहाँ पे, UBL पे स्पिन हो रहा था, स्पिनर्स के लिए हेल्प थी, लेकिन हमारे बैट्समैन ने स्टैंड अप किया और वो हमने चेस किया। आरिफ याकूब लेग स्पिनर है जो फर्स्ट टाइम खेल रहा है, उसका डेब्यू इसी साल हुआ, उसने सबको बहुत इंप्रेस किया है, उसने बड़ी मैच्योर बॉलिंग की, और मेरा ख्याल है कराची के लिए बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित होगा आगे वो। हमारी टीम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, ज़िशान मलिक यंगस्टर तो नहीं कह सकते लेकिन उसने सेंचुरी की है, और भी काफ़ी जंदाज जो नया लड़का है वो अच्छा राउंडर नज़र आ रहा है, तो काफ़ी लड़के हैं जो हमारे यंगस्टर हैं, क्योंकि हमारी टीम ज़्यादातर यंगस्टर पे है, तो काफ़ी अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है। होपफुली जो सुपर 8 के मैचेस होंगे मेरे ख्याल से वो थोड़े टफ़ होंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। ज़बरदस्त जा रहा है, हमारे यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह हमने क्वालिफाई किया जिसने सुपर 8 के लिए, तो हमारे यंगस्टर इफ्तबादर के जितने भी प्लेयर्स आए हैं, आदिल नाज है, एक दो अहमद लड़का है, अभी हमारे सीनियर प्लेयर्स भी वापस आ गए, कमरान गुलाम और फ़ख्र जमान, तो ज़बरदस्त जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल नाज और इसरार लड़के ऐसे हैं, अहमद लड़का भी है जो अभी शाहीन से भी खेला है, ये 3 प्लेयर ऐसे यंगस्टर में कि अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और अच्छे प्लेयर्स। हमारी टीम में माशाल्लाह सारे अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन जो अभी बताया आपको लास्ट मोमेंट वाला, जो लास्ट 2 ओवर में 40 रन बनाए थे, वो शाहिद अजीज़ लड़के नया लड़का है और बहुत अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर है।